वेब सीरीज से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने एक ऐसी स्पेसशिप की कल्पना की जिसकी रफ्तार सिद्धांत रूप में प्रकाश की रफ्तार से तेज हो। कामयाब होने पर इससे हमारे सूर्य और इस दूर दराज स्टार सिस्टम के बीच की सफर की दूरी सिर्फ एक साल या उससे भी कम हो सकती है। लेकिन क्या हम विज्ञान के उस नियम को नहीं भूल रहे हैं जो कहता है कि कोई भी प्रकाश की रफ्तार से तेज नहीं चल सकता है? ऐसा नियम है। मैं आपको एल्क्यूबेरी ड्राइव के बारे में एक बात बताता हूँ। ये मूव नहीं करता है बल्कि कॉस्मोस मूव करता है। स्पेसशिप खुद अपने स्पेस टाइम बबल में कैद होता है और वहां उसे फिजिक्स के नियम तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के हेरल्ड व्हाइट ने इसकी कुछ खामियों को दूर किया, जैसे कि उड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होना। लेकिन इसे समझ पाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। एल्क्यूबेरी ड्राइव शिप ग्रेविटेशनल वेव बनाने वाली एक मशीन है जो अपने आगे मौजूद स्पेस टाइम के सागर को कंप्रेस करके अपने पीछे से फैला देती है। इसे आप गैलेक्सी और उससे भी आगे जाने वाली जेट स्कीज कह सकते हैं। कौन जाने एक दिन पूरा लैनिय के सुपर क्लस्टर ही वो तालाब बन जाए जिसका हम इस्तेमाल कर सके। यानी 1,00,000 गैलेक्सीज। लैनिय के एक हवाई शब्द है जिसका मतलब है नापी ना जा सकने वाली जंगल। हमारी एल्क्यूबेरी ड्राइव का कोई एडवांस्ड वर्जन पलक झपकते ही 965 खरब किलोमीटर की दूरी झट से तय कर सकता है।